या 1000 या 100 जरूर मिलता होगा, लेकिन उस एक ऐसे भी होता है कि डजंस या थाउजेंड ऐसे भी, जब भी आपको ऐसे जब वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे क्या हमें बनाना। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे या पढ़ते होंगे वहाँ पे आपको डजन या थाउजेंड या हंड्रेड जरूर मिलता होगा, लेकिन उसमें देखा जाए एक ऐसे भी होता है कि डजन्स या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऐसे भी, जब भी आपको सेंटेंसेस में ऐसे जब वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे क्या हमें बनाना चाहिए और क्या हमका इनका मतलब होगा, इन सेंटेंसेस का क्या मतलब होगा, हमें किस सेंस में देखना चाहिए, हम समझेंगे इस वीडियो में। तो जब भी आप लोग ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप लोग अगर जो कहीं भी मिलता है ऐसा लिखा हुआ तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, समझते हैं इनके बारे में क्यों और कब हम लोग यूज़ करते हैं, हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम समझेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर जब नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे आप, वहाँ से अगर कोई भी अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। और समझते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्यों कहाँ पे करते हैं। देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है डजन, थाउजेंड और हंड्रेड, हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर जो आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अब समझते हैं, मैं आपको एक बार जितने एग्जाम्पल लिखा हूँ आपको पढ़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए, फिर हम समझते हैं कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डजन्स ऑफ बनानास हैव बीन बॉट, डजन्स ऑफ बनानास हैज बीन बॉट, ठीक। नेक्स्ट लिखा है हंड्रेड्स ऑफ वोमेन हैव ज्वाइंड दिस कंपनी, नेक्स्ट लिखा है हंड्रेड्स ऑफ वोमेन हैज ज्वाइंड दिस कंपनी। अब देखा जाए तो हमें क्या कन्फ्यूजन और किन चीज़ों में ध्यान दे रहा है। सबसे पहले देखा जाए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टू डजन, थ्री डजन, वन डजन, ये बोलते ए डजन, ऐसे जब भी सेंटेंस से बोलते हैं 100, 200, 800, ये बोल दीजिए 1000, 2000, 8000, ठीक है। ऐसे जब भी हम लोग सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड जब यूज करते थे तो वहाँ पे हमने देखा था, बहुत चीज़ हमने सीखी थी। अब समझते हैं डजन्स या थाउजेंड्स या हंड्रेड्स, अब समझते हैं। देखा जाए हमने यूज़ किया है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है फास्ट, मतलब जब भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं यूनिट्स के रूप में इनका यूज़ होता है, तो वहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है थाउजेंड्स, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यूनिट्स बताता है, इसलिए ये देखा जाए तो पूरा हमारा सेंस ही चेंज हो जाता है ऐसे सेंटेंसेस का। कैसे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है पास्ट, जैसे बोल दिया जाए हजारों स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है, हजारों स्टूडेंट पास हुए हैं, हजारों स्टूडेंट्स पास हुए हैं, हजारों, ऐसे नहीं हजार नहीं, हजारों, इस तरह जब भी हम लोग सेंस होता है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हैव किया गया है, करेक्ट है, ठीक है, इसलिए करेक्ट है, इसलिए हमको यहाँ पे देखा जाए हम नॉर्मल चीज़ों में, जब हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जैसे बोल दिया टू थाउजेंड, 2000 ऐसे जब हम लोग यूज करते थे, ये 1000 में हमने जैसे यूज किया था, इसके साथ में हम लोग एस नॉर्मली नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने इनके साथ में एन एस जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस का मतलब ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ऐसे जब हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ में 2, 3, 4, 6 या 2000, 1000, 3000, 4000 ऐसे हम लोग थाउजेंड्स नहीं लगाते हैं, डजन्स नहीं लगाते हैं, टू डजन्स, थ्री डजन्स, वन डजन्स ऐसे यस नहीं लगाते हैं नॉर्मली इसके साथ में। लेकिन जब हम लोग इनके साथ ऐसे बनाएंगे तो इनके पीछे हमने कहाँ लगाया है, 1, 2, 3, 4 नहीं लगाया ना, सीधा थाउजेंड्स लिखा है, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखना चाहिए सिंगुलर आपका प्लूरल है,
इसलिए यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर आया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है डजन्स ऑफ बनानास हैव बीन व्हाट, मतलब डजन भर जो है ठीक है, दर्जनों जो बनानास क्या है व्हाट किए गए, खरीद लिए गए ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमने हैज का यू हैज बीन का यूज किया है, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बनानास देखा जाए तो डजन्स हो जाएगा ठीक है, हमने यहाँ पे एस लगाया है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए दर्जनों भर बनानास क्या है, खरीदे गए ठीक है। अब देख लिया जाए, देखा जाए Dozens of bananas has been, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा क्योंकि has नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है ठीक है। अब समझते हैं यूनिट की बात कर रहा है ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट की बात करते हैं ठीक, ऐसे हम जो यस लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है हंड्रेड्स ऑफ वोमेन, यहाँ पे प्लूरल है वोमेन ठीक है, वोमेन संग सिंगुलर होता है लेकिन वोमेन वोमेन तो प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ पे हैव का यूज किया है, ज्वाइन दिस कंपनी, ये कंपनी क्या है ज्वाइन कर चुकी है ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने किया है हैव का यूज, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब सैकड़ों जो वोमेन है क्या है कंपनी ज्वाइन कर चुकी हैं ठीक है। यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट लिखा है हंड्रेड, यहाँ पे लिखा है सैकड़ों वोमेन्स लेकिन यहाँ पे हमने हैज का गलत कर दिया है इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हम समझाना मैं ये चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग हंड्रेड या बोला जाए कि डजन्स या ऐसे जब भी आप लोग सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि उसके साथ में आपको हमेशा जब भी आप लोग ऐसे यूज करेंगे हंड्रेड्स थाउजेंड्स डजन्स उसके साथ में मतलब एस लगा देंगे तो वहाँ पे आपको पूरा सेंस चेंज हो जाएगा और उसके साथ में कभी भी वन डजन्स टू डजन्स ऐसे नहीं आएगा क्योंकि कॉमनर में ऐसे ही पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों के पास या जिनको ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वीडियो की जरूरत है उनके पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। थैंक यू।